सुप्रीम कोर्ट ने अयाज सादिक की अपील पर वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में NA 122 लाहौर में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ अयाज सादिक की अपील पर समाप्त हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि साल 2013 वाली असेंबली का दौरानिया तो खत्म हो चुका है। लीगी रहनुमा के वकील ने कहा कि अयाज सादिक को जुर्माना हुआ था जिसके खिलाफ अपील दायर की गई है। नादरा और रिकॉर्ड जायजे के अखराजात अदा करने का हुक्म दिया गया है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम अखराजात इमरान खान ने अदा कर दिए थे। केस हारने पर तमाम अखराजात अयाज सादिक को देने का कहा गया। अयाज सादिक ने कहा कि मुझे स्पीकर होते हुए भी झूठा और धांधली करने वाला कहा गया। हलके में मेरे खिलाफ जो तासुर गया है वो असल मसला है। हद तक इज्जत का केस तो कई साल से चल रहा है, मामला इज्जत का है। इमरान खान से और कुछ नहीं चाहता, केस करने का मकसद सिर्फ खुद को बेकसूर साबित करना है। लीगी रहनुमा के वकील ने कहा कि गलतियां इंतखाबी अमले की थी तो अदायगी अयाज सादिक क्यों करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान का मौकफ सुनकर ही फैसला करेंगे, जल्द ही केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। अदालत ने अयाज सादिक की अपील पर वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया।